दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में भी जोश एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, या दोस्तों अगर आपके मोबाइल में जोश एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन आपको चेक करना। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो गाइस आपको जो है अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड को आपको जो है ऑन करने के बाद फिर से आपको ऑफ करना है, और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल डेटा को ऑन रखना है। तो जैसे ही दोस्तों आप फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद ऑफ करोगे, इसके मोबाइल में शायद से आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क करेगा, और गाइस आपकी जो है जोश एप्लीकेशन में ओपन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपका जोश एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो गाइस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जोश एप्लीकेशन को सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जोश एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और जोश एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल डेटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि दोस्तों इस एप्लीकेशन का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लियर डेटा और फोर्स स्टॉप करने के बाद आपके मोबाइल में जो है जोश एप्लीकेशन रनिंग प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद गाइस आपके मोबाइल में जोश एप्लीकेशन बिल्कुल सही से काम कर जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जोश एप्लीकेशन ओपन प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।